हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक है आज फुल मून का डे है। तो आज मैं जानूंगी कि फुल मून के आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, बिग सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आने वाली हैं। ठीक है, फुल मून के आने से आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, डिवाइन के क्या प्लान हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है कि फुल मून के आने से आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ और आपके वर्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अबंडेंस, बिग इवेंट, गुड न्यूज आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्योंकि फुल मून के आने से डेफिनेटली काफी ज्यादा एनर्जी में चेंज आता है, तो देख लेते हैं आप क्या चेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स। ओ वाओ, टू किंग्स। वेट अ सेकंड, एट ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpion, Pisces, थ्री एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं। लवर्स, Gemini, एक और कार्ड आ गया है, फाइव ऑफ कप्स, द फूल, Aquarius। ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स। यस गाइस, काफी मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आते हुए, बिकॉज ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यूनिवर्स, द वर्ल्ड कार्ड, ओ गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, वाओ, सन। ओके, मैं ये कार्ड लेने वाली हूँ बिकॉज मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं यहाँ से। आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। लवली गाइज, यस, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं न्यू फुल मून के आने से। सबसे पहली बात है, गुड लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप ना रिलेशनशिप, एक प्योर रिलेशनशिप, एक ट्रू रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप पहले भी आए हों, हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम से आप मिल गए हों, आप अपने सोलमेट से मिल गए हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना ट्रू फीलिंग्स, वो आपके हो सकता है पर्सन में डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब होना स्टार्ट हो जाएगा फुल मून के आने से। क्योंकि मुझे आपका गुड लक साथ दिख रहा है, यूनिवर्स आपके साथ मुझे दिख रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, ये कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। इसको रिग्रेट है आपको छोड़ने का। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे क्लियर दिखा रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इसने आपको छोड़ा या आपसे बातें करनी बंद कर दी। क्योंकि आप तो उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन इसने उस टाइम समझ नहीं पाया ये पर्सन। और अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, आपकी लाइफ में वापस आना। और यहाँ पर सन कार्ड आने का मतलब क्लियर मुझे यही शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, न्यू ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी इमोशनल लेवल पर आपको सोच रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में, इसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो आपकी लव लाइफ में ओवरऑल अगर बता दूं तो बहुत सिचुएशन आज से ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है, दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके साथ आपका गुड लक भी मुझे दिख रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है इस पर्सन के साथ। ठीक है, बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत कुछ अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, लेकिन यस, आज से ही काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी इमोशनल लॉस में दिख रहा है ये पर्सन। ठीक है, जो भी इसने पास्ट में किया है, बट अब इसको कमिटमेंट देने का मन करता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों मैरिज कार्ड्स हैं, और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब है कि यस, आपकी शादी के चांसेस भी हैं। हो सकता है कि ये फुल मून
अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है। हो सकता है कि आपको मैरिज ब्लेसिंग्स मिल रही है डिवाइन से, आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर एक्शन का विकार है। ठीक है, ये मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करते हुए दिख रहे हैं। ये ट्रू लव है आपका जो आपके पास आ रहा है, जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रू लव है। यस, और अगर मैं आपके वर्क के बारे में बताऊं तो देखो, और हाँ एक चीज़ और है, आप दोनों ही स्टक हो अभी एक दूसरे पे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कितनी भी कोशिश कर ली है आपने पर मूव ऑन आपसे हुआ नहीं है, और ना ही आपके पार्टनर से हो पा रहा है। बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है इन कार्ड्स को देखकर, और मुझे लगता है कि आप सच में, आप दोनों बहुत ज़्यादा इस टाइम एक दूसरे को मिस कर रहे हो, प्यार में हो एक दूसरे के, एहसास कर सकते हो एक दूसरे की फीलिंग्स, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी हैं। अगर आपके वर्क के बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्क में भी काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा फॉर्चून आपके पास आ रहा है। गुड लक है आपके साथ, ठीक है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो यस, आपके वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस आते हुए मैं देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप कर रहे हैं अपने वर्क में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ। थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करो गाइस, और जितना मुझे लगता है आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके वर्क में भी हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आप सोचते हैं अपने वर्क के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आराम से काम कीजिए, रिलैक्स होकर काम कीजिए, बिकॉज राइट नाउ यू हैव योर गुड लक एंड यू आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स इज़ विद यू राइट नाउ, सो नो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ाना है। लव लाइफ तो आपके यूनिवर्स के हाथ में, और यूनिवर्स तो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा गुड लक है, और बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो यस गाइस, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, बिकॉज अब आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज आ रहा है, और ये चेंजेस आपकी लव लाइफ को और ज़्यादा इसमें चार चांद लगा देंगे। और वर्क में भी आप अच्छा ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पास देखो जो भी सपना है ना आपका, वो पूरे होते हुए मैं देख रही हूँ। अभी गुड लक है आपके साथ, आप जो भी इच्छा, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है आपका मन है अब इस काम में, और आप इसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए और क्या आने वाला है आगे। अबंडेंस, अबंडेंस ही मिलेगा आपको, क्लियर है गाइस, अबंडेंस ही आ रहा है आपके पास, आपके लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओह वाओ, एनलाइटनमेंट ये तो हो ही रहा है, बिकॉज आप ना हायर फ्रिक्वेंसी जोन में आ चुके हैं, तो अब एनलाइटनमेंट होना बनता है आपका, ये हो रहा है। कितनी येलो लाइट मुझे यहाँ दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पर। ग्रैटिट्यूड मिलेगा आपको, यू नो, आपकी कम्युनिटी से भी, आपके पर्सन से भी। जो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सन कार्ड आने का मतलब ही है कि बिल्कुल पॉजिटिविटी है यहाँ पर, बहुत सारा अबंडेंस है, और कार्ड्स भी आ रहे हैं ऐसे ही। क्वेस्ट, थोड़ी गाइडेंस अभी आपको और लेने की ज़रूरत है। ठीक है, टाइम टाइम पर आपको गाइडेंस यूनिवर्स से ही मिलेगी डेफिनेटली। ओ माई गॉड, लव लाइफ में तो आपको मिरेकल की ज़रूरत है, और ये मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाओ, अबंडेंस है, मिरेकल है, आपका गुड लक है, ये तो कितनी अच्छी बात हो गई है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे अच्छे कार्ड्स और नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि ये फुल मून आपकी लाइफ में फॉर्चून, अबंडेंस, गुड लक सब कुछ लेकर आ रहा है। वाओ, रिस्पोंडेंस, तो अब और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका गुड लक स्टार्ट हो गया है, और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत कॉन्फिडेंट आप हो गए, कॉन्फिडेंस में हो आप, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया है, स्ट्रांग बने हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। ट्रिक, आपको पता है कि अब आपको अपना फ्रूट कैसे बचाना है, कैसे आप ऐसे लोगों से बचेंगे जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है विजडम भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, ब्लेसिंग्स अबंडेंस के साथ साथ विजडम भी आप गेन कर रहे हैं, आप पावर गेन कर रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, आपका इनलाइटनमेंट हो रहा है।
आपकी लव लाइफ ट्रैक पर आ रही है, तो बहुत कुछ अच्छे चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं यहाँ से कौन से कार्ड्स आएंगे आपके लिए। वाओ, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट आपके लिए, तो विक्ट्री ही आ रही है गाइस, विक्ट्री। फुल मून का ही कार्ड है, ये भी फुल मून का कार्ड है। अब जब विक्ट्री आ रही है तो अब आप नेगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल रिलीज कर दीजिए गाइस। हो सकता है कि स्कॉर्पियो सीजन में आपके लाइफ में चेंजेस बहुत सॉलिड आने वाले हैं, बहुत सॉलिड। अगेन फुल मून कार्ड, यू आर गुड इनफ। अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है, यू आर गुड इनफ, आप अच्छा कर रहे हो। बस आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का ही वेट है और वो आ रही है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप अच्छा कर रहे हो, शक मत करना खुद पे। और अगर आप देखो, यू नो व्हाट, अगर आपने यू नो बिलीव नहीं करा अपना, यू नो एक स्ट्रेंथ नहीं बनाई, अगर रोना धोना कंटिन्यू रखा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन चेंज करना। इसीलिए आपको बिलीव करना इम्पॉसिबल पर, और आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी गेन होने वाली है अगर आप अच्छा फील करते हैं तो, ठीक है। बस आपको नेगेटिविटी ही रिलीज़ करनी है जो आप अगर थोड़ा बहुत भी अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं तो, ठीक है। इतना आप कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। चैरिटी, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। राइट नाउ ना आप हेवन से कनेक्ट हैं, अगर आप कुछ भी पूछते हैं उनसे तो वो आपको आंसर देंगे, ठीक है। अपने मेडिटेशन में पूछिए उनसे। इनर स्ट्रेंथ गाइस, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आप बढ़ा भी रहे हैं। आप डेफिनेटली, आपको अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है राइट नाउ, और ज़्यादा खुद को डीप वे में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आप कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। मार्करी, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। प्यार से सुनो, प्यार से बोलो, ठीक है। और एक नेगेटिविटी का जो वेट आपने अपनी चेस्ट पे रखा हुआ है उसको रिलीज कर दो। आपको डिवाइन यहाँ पर टोटली ना, मतलब नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, अपने डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। ये सेकंड टाइम कार्ड आ गया, और अच्छा सोचो, चूज लविंग थॉट्स, लव इज योर्स, ठीक है। प्यार आप ही का है, अच्छा अगर सोचोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। इसलिए नेगेटिविटी की गाइस थोड़ी सी भी जगह नहीं है इस टाइम, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ऊपर से डिवाइन आपको काफ़ी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भी भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ऐसे में नेगेटिव सोचना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है, बुरा हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा चूज लविंग थाट्स, ठीक है, लविंग थाट्स चूज कीजिए, और कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है आपको, इतना आपको करना है बस, ओके। वेट करो, थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं डिवाइन आपको, पर इस वेट के बाद आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाला है, खुशियां मिलने वाली है आपको। जब आप रेडी हो जाएंगे ना, ये वेट आपका ख़त्म हो जाएगा, बस तब तक का ही वेट करना है जब तक आप रेडी नहीं हो जाते। थोड़ा सा ही वेट है गाइस, बिकॉज आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो। इट्स अप टू यू, आप क्या करने वाले हैं, लेट करेंगे या फिर आप जल्दी करेंगे, तो उतना ही वेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं जब तक आप रेडी नहीं हो जाते तब तक तो ये आपको वेट कराएंगे, इसलिए ये आप पर है, अब आप कैसे एक्शन लेंगे, ठीक है। बिल्कुल गाइज, अब ये आप पर है, ओके। तो रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही मुझे खुशी मिल रही है कार्ड्स को देखकर। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए भी हेल्पफुल रही हो और आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय। Take care.